को इख्तियारात मिल गए हैं, लेकिन इससे पहले हमें कॉल किया है आफताब हसन साहब हैं, एमक्यूएम हकीकी से उनका ताल्लुक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आफताब साहब बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले तो मैं आप लोग अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और यहाँ पे फैसल भाई बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत ज्यादा ही याद करता हूँ। मैं अपने शेर से शुरू करूंगा और आप लोग मेरे बड़े हैं, इस शेर का मतलब आप खुद निकाल लिएगा। उठो हमको लड़ना है अफलास से, कभी भूख से कभी प्यास से, वतन दुश्मनों की हर एक आस से, है तुझको हमारा बस अब ये वचन, ए वतन ए वतन। देखिए ये बातें हो रही हैं सर भाई यहाँ पे टोटल मीडिया पे, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया चैनल है वो जालिमों को मजलूम बना रहा है एक अरसे दराज से, एक अरसे से। जब जालिम मजलूम बन जाएगा ना तो इसी तरह कत्लेआम होते रहेंगे। नहीं, मजलूम तो अवाम है ना सर साहब, अगर आप मजलूम तो अवाम है, अगर आप इसी तरह नॉन इलेक्टेड लोगों को चैनल पे लोगे सुने, हमें मौका तो, दे तो फिर क्या रह जाएगा अफसार साहब? ये जो आपकी सहाफत है जी जी, ये जो आपका मीडिया है, आपको अगर इस तरह इस्तेमाल करना है, इसको एक दहशतगर्द तंजीम के लोगों को टीवी पे लाओगे, नहीं ठीक है, कोई वोट बैंक नहीं है, ठीक है ठीक है। जी आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब देखें, आप अगर वो कह रहे हैं दहशतगर्द तंजीम में चलें, ठीक है, हम आपसे इस पे बात नहीं कर रहे। वसीम साहब आप नहीं, आपसे आफ्ताब साहब, हम जिसका वोट बैंक ना हो उसको अगर टीवी पे खिलाओगे? जी वसीम साहब, हमने मैं नहीं समझता ये आपके जो सहाफत के लिए आप कोई कार्रवाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, नहीं ठीक है। किस्म के दहशतगर्द लोग अगर टेलीविजन पे आएंगे, जिन्होंने खून बहाया है, जिन्होंने एजेंसियों का साथ दिया है, और जिनका एक वोट नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, जी जी तो जी, अफसार भाई माजरत के साथ मैं आपके चैनल में नहीं बैठ सकता। नहीं ठीक है, मैंने उनको नहीं लिया, लेकिन देखें वसीम भाई, उनका हक है कि अगर उन्होंने कोई बात की थी तो इस पे हम नहीं कुछ कह सकते। हमने तो उनका मौकफ एक लेने की कोशिश की और वो मौकफ पूरा दिया भी नहीं उन्होंने। फैसल अजाबदी साहब, आप बताइएगा कि अगर हमारे अंदर इतना भी नहीं है कि हम एक दूसरे की बात सुन सकें टेबल के अक्रॉस बैठ के, तो फिर हम क्या इस मुल्क में तब्दील देखिए जी।